लद्दाख में चीनी और हिंदुस्तानी जवानों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में शहीद हुए सुनील कुमार का 18 जून की सुबह सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बिहार के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार को उनके 10 साल के बेटे आयुष ने मुखाग्नि दी। इससे पहले उनके पैतृक गांव बिहटा के तारानगर से मनेर स्थित गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वीर सुनील अमर रहे के नारे लगाए। सुनील के पार्थिव शरीर को सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया था। 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। शहीद सुनील कुमार पिछले साल नवंबर में अपने घर तारानगर आए थे और वो इसी हफ्ते घर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। परिवार चाहता है कि चीन से इस शहादत का बदला लिया जाए,